तरबूज की टूटी फूटी बनाने वाले हैं। ये देखिए, एक तरबूज को ऐसे लिया, इसको पूरा काट लिया। ये देखिए, तरबूज के चक्कर जो है आपके बर्बाद नहीं होंगे। उसके बाद इसको आप जो है क्लीन करके इसे छील लीजिएगा छीलर से। ये देखिए, इसे इस तरीके से पूरा आप छीलर से छील लीजिए। ये देखिए पूरा छिला है, ऐसे ही करके इसको पूरा जो जो आपके चिक्कल जो बेकार हो गए थे उसका भी वो पूरा यूज हो रहा था। ऐसे लंबे लंबे पीस बनाइए। इसको एक छोटे छोटे ऐसे करके टुकड़े बनाइए जो आपको पकने में भी आसानी होती है और छोटे छोटे बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर होते हैं। ये देखिए हमारे तरबूज के पूरे चिक्कल जो हैं हमने सब काट दिए हैं बारीक करके, छोटे छोटे ऐसे बारीक करके टुकड़े बनाइए। इसके बाद हम इसको एक छोटे से डेग में उबालेंगे। इस डेग में देखिए हम छोटे डेग में पकाएंगे 15 से 20 मिनट करीब। हमने करीब 1.5 लोटा इसमें पानी डाल दिया उबालने तक के लिए। ये देखिए इसमें आप जो है 3 कटोरी करीब चीनी डाल लीजिए। अभी हम इसकी चाशनी बनाने वाले हैं। ये देखिए अब हम इसको गैस में पकाएंगे तो हमें चाशनी तैयार करते तब तक उसके पकने तक। ये देखिए, ये डाला हमने इसमें 1 लोटा करीब पानी। ये देखिए क्या सुंदर तरीके से यह उबला। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट हम अभी और पकाएंगे। ये देखिए हमारा चाशनी का पानी उबल चुका है। इसको अब हम इस चाशनी को साफ करने के लिए इसमें 1/2 गिलास करीब दूध डालेंगे। ये देखिए अभी इसमें से आपको जो है बहुत सारा मैल निकलता हुआ दिखाई देगा। चाशनी तैयार हो गई है। ये इसमें से दूध डालने के बाद मैल निकलता हुआ, ये देखिए ये उबल चुकी है। इसको मैं पानी से टोकरी में छानते हुए देखिए। ये हमारी चाशनी बन चुकी है। ये देखिए इसमें अब हम इसको इसमें डालते हुए चाशनी में, देखिए इसको 15 मिनट करीब इसमें भी हम चाशनी में। ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। ये देखिए चीनी की चाशनी में यह पूरी तरीके से बहुत बढ़िया करके पक चुकी है। ये देखिए हमारी ये मीठा इसने पी चुका है। एक होने वाला रंग है। देखिए इसको लाल रंग की बना सकते हैं आप रंग भी। सुंदर तरीके से पक चुका है। ये देखिए ऐसे बनाइए आप कर लो कुटी बूटी ड्राई। ये आपके ये येलो कलर है।
ये आपके घर में बन सकती है टूटी फूटी। ये देखिए इसको हम धूप में सुखाएंगे 2 घंटे करीब। हमने एक ट्रे में लौट दिए हैं। देखिए क्या लजीज और क्या सुंदर बनी हुई है। इसको अब हम 2 घंटे धूप में सुखाएंगे, उसके बाद ये फूल तरीके से तैयार हो जाएगी। धूप में सुखाने रख चुकी है। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है इस टूटी फूटी का। 2 से 3 घंटे धूप में रहेगी, उसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगी। बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर वीडियो बनाई जाएगी खाने की रेसिपी। आप मेरे चैनल को बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सारा फास्ट फूड करके मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल।